हाय बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस वीडियो को जो नए स्टूडेंट होंगे उनको बता दें, ये इस लेक्चर मतलब इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको कवर करिए, और उससे पहले एक चैप्टर भी पूरा हो चुका है, आप उसको कवर कर लिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में कम आएगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है यानी दो लेक्चर हुए हैं, उस लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में फ्लावर के सारे पार्ट्स को देखा था कि फ्लावर क्या होता है, उसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं। आज की जो क्लास होगी उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों ने देखा था उसमें पुंकेसर यानी कि जिसमें पराकर का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, लघु बीजाणुधानी क्या होती है और उनमें किस प्रकार से पराकर बनते हैं और किस प्रकार से बाहर स्फुरित होते हैं। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हमने पिछले दो क्लासेस में हमने देख लिया है। आज की जो लेक्चर क्लास है वो है स्त्री केसर का, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले वाले वीडियो में मतलब पहले वाले लेक्चर की क्लास में बता दिया गया था, ठीक है। तो स्त्री केसर आप लोगों के दिमाग में शायद कुछ आ रहा होगा। स्त्री केसर हमने बताया था, देखिए जो फ्लावर में फीमेल पार्ट्स होता है उसको हम गायनोशियम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, जायान कहते हैं। जायान का मतलब जब देखिए कोई एक फ्लावर है और उस फ्लावर में बहुत सारे मतलब स्त्री केसर है, छोटे छोटे मतलब स्त्री केसर जो है वो यूनिट है जायान की, ठीक है। अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले आप फर्स्ट वाला वीडियो देखें तो हम जो बता रहे हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जायांग जो होता है, जायांग के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी फ्लावर के अंदर स्त्री केसर होते हैं, मतलब क्योंकि उनकी संख्या 2, 4, 10 हो सकती है, ठीक है, तो वो जायांग के अंतर्गत आते हैं। और उसको के एक को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कार्पेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, अब बात करते हैं इसके बाद, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। यहां पर लिखा है स्त्री केसर, ये जो हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्री केसर आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ये हेडिंग, ठीक है। तो उसके बाद अब जो स्त्री केसर होता है इसको दो भाग में डिवाइड किया है। देखिए कुछ ऐसे भी आप प्लांट को जानते होंगे, उन प्लांट में केवल एक ही मतलब सीड बन पाता है, पूरे प्लांट में एक फ्लावर में यानी किसी भी प्लांट के एक फ्लावर में क्या होता है, एक सीड बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आम, ठीक है, आम में क्या होता है कि उसका जो फ्लावरिंग हुआ उस फ्लावरिंग में जो एक है, एक आम है, उस आम में क्या हो रहा है कि एक ही क्या हो रहा है, सीड बन पा रहा है, ठीक है। तो जैसे आप उसको जानते हैं, पपीता जानते हैं, खरबूज जानते हैं, ठीक है, तरबूज जानते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सीड बनते हैं। तो स्त्री केसर जो होता है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है, स्त्री केसर दो भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भाग में, देखिए एका अंडपी और बहु अंडपी, ठीक है। स्त्री केसर को कितने भाग में डिवाइड किया गया, दो भाग में डिवाइड किया, एका अंडपी और बहु अंडपी। एका अंडपी मतलब यानी ऐसे स्त्री केसर जिसमें एक अंडक पाए जाते हैं, ऐसे स्त्री केसर जिसमें एक अंडक पाए जाते हैं, अर्थात मतलब समझिए कि ऐसे आप प्लांट के नाम जानते होंगे जिसको आप, या ऐसे फ्रूट्स के नाम जानते होंगे जिसमें केवल एक ही सीड मिलता है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट इन मेनी फ्रूट्स, ठीक है, आप बहुत सारे फ्रूट्स के नाम जानते होंगे जिसमें केवल एक ही सीड होता है, ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, एकांडपी, यानी ऐसा स्त्री केसर जिसमें एक अंडक हो उसे हम एकांडपी कहेंगे, और जिसमें बहुत सारे अंडक हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बहुअंडपी, ठीक है। बड़े ध्यान से यहां फोकस करिए, बहुत ही आसान है, हमने क्या बोला, जिसमें बहुत सारे अंडक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। अब जो बहुअंडपी है इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। बहुअंडपी भी कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी, ठीक है, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। तो यह जो दो भाग में बांटा गया है, युक्तांडपी का मतलब समझिए कि ऐसे स्त्री केसर जिसमें जो अंडक होते हैं वो एक ही फल के अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं, ठीक है। एक ही फल में बहुत सारे बीज अगर हम कहें तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसे फल जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं तो वो किसके उदाहरण होंगे, युक्तांडपी होंगे, है ना। तो
तो कैसे हुआ वो देखिए, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल एनसीईआरटी का दिया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप इसको, पैपावर। ठीक है, पैपावर एक एग्जांपल है किसका, युक्तान गति का। ठीक है, आप पपीता भी ले सकते हैं, तरबूज भी ले सकते हैं। तो उसमें देखिए पपीता आप खाएंगे तो उसमें देखिए एक ही मतलब फल एक ही, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या है सीड उपस्थित होते हैं, जिसका मतलब बहुत सारे एग थे वहां पर, अंडे थे। तो ये इसलिए उसका नाम क्या हो गया, वो बहुअंडी का एग्जाम्पल हो गया, और उसी में किसका एग्जाम्पल हुआ, वो युक्तांडी का हो गया। ठीक है, युक्तांडी का होगा, क्यों हो गया, क्योंकि एक ही फल के अंदर बहुत सारे हमको अंडम दिखाई दिए जिससे वो बीज बन गए। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल किसका है, व्युक्तांडी का। व्युक्तांडी का मतलब देखिए, यानी कि ऐसे ऐसे फ्रूट जिसमें अंडक की संख्या क्या होती है, अलग मतलब अधिक तो होती है ना, ऐसे फ्लावर ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं, ऐसे फल इसमें अंडक की संख्या अधिक होती है, लेकिन वो एक एक जो सीड है वो उसका क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख रहे होंगे, उसमें आपको एक गेहूं जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मतलब किसका है? वो एग्जाम्पल माइचेरिया का है। ठीक है, माइचेरिया में क्या है, आप देखिए उसमें अलग अलग कॉलम में बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है, उसमें हो ये रहा है कि है तो वो बहुअंडी का एग्जाम्पल, यानी कि उसमें बहुत सारे अंडे तो मतलब बहुत सारे सीड हैं, अंडे अंडा है उसमें। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग है, सभी क्या है वो अलग अलग है, तो वो एग्जाम्पल किसका होगा, युक्तांडी का। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो लोग राइट कर रहे हैं वो ध्यान से लिखिएगा क्या, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर मतलब पौधों का एक फीमेल जनन अंग होता है। ठीक है, पौधों में एक फीमेल जो होता है मादा जनन अंग होता है। ठीक है, और इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला एकांडपी और दूसरा बहुअंडपी। तो बहुअंडपी को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, उसमें पहला क्या है, पहला युक्तांडपी। युक्तांडपी मतलब कि ऐसे ऐसे पौधे या ऐसे ऐसे फ्लावर्स जिसमें जो अंडों की संख्या हो वो बहुत ज्यादा हो और आपस में सब क्या हो, सम्मिलित हो, ऐसे ऐसे फ्लावर्स यानी ऐसे पौधों फ्लावर्स जिसमें किसकी संख्या अधिक हो, जिस मतलब जो फ्लावर हो उसमें अंडों की संख्या जो है अंडक की संख्या हो वो क्या है, अधिक हो और एक ही में हो, उसको हम क्या कहेंगे, युक्तांडपी कहेंगे। और युक्तांडपी का एग्जाम्पल क्या हुआ, व्युक्तांडपी मतलब कि ऐसे फ्लावर जिसमें अंडकों की संख्या अधिक तो है लेकिन वो थोड़े थोड़े दूरी मतलब अलग अलग स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, माइचेरिया। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युक्तांडपी का एग्जाम्पल कौन है, पैपावर, और व्युक्तांडपी का एग्जाम्पल कौन है, माइचेरिया है। ठीक है, अब चूंकि स्त्री केसर होता है, इससे कितने भाव होते हैं, ठीक है, स्त्री केसर का मतलब जो होता है वो उसके कितने भाव होते हैं, तो यहां पर एक फिगर हम बनाए, ध्यान से यहां पर फोकस करिएगा आप लोग। देखिए जो फ्लावर है, फ्लावर में जो स्त्री केसर वाला भाग होता है वो यही है। ठीक है, आपने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा फ्लावर बनाया गया था, इसमें आपको केवल और केवल स्त्री केसर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। ये जो स्त्री केसर है इसमें है क्या, देखिए सबसे ऊपर की तरफ जो ये दिखाई दे रहा है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये स्त्री केसर का वह भाग होता है जहां पर परागकण आकर गिरता है या फिर आसन ग्रहित करता है। ठीक है, यहीं पर आता है, जैसे ये बहुत सारे वर्तिकाग्र हैं तो यहां पर परागकण आकर यहां पर गिरेगा या आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये वर्तिकाग्र वाला भाग होता है। दूसरा भाग ये जो पतला डंठल दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका, ये कौन सा भाग है, वर्तिका है। क्या है, ये वर्तिका है। और नीचे ये फूला हुआ भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और सबसे नीचे जहां पर स्त्री के मतलब अंडाशय वाला भाग स्थिर होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, मतलब पुष्प का आसन। ठीक है, जहां पर फूल होता है उसे हम क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। और इस तीन भाग मतलब जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, इन तीन अंडाशय जो दिखाई दे रहा है, इस तीन भाग में अंडाशय जो है इसके अंदर एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, विजांड। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, इसका नाम है विजांड, विजांड। ठीक है, इसका नाम क्या है, विजांड है। ठीक, अब ये विजांड जो होता है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, अपरा द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, अपरा द्वारा जुड़ा होता है। और ये अपरा और इस विजांड के बीच में एक पतला डंठल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विजांड वृंद कहते हैं। अपरा और विजांड के बीच में डंठल जैसी संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, विजांड वृंद कहते हैं।
ये अपराध क्या काम करता है? अपराध देखिए सभी जीवों में होता है, ठीक है, सभी लेकिन मैक्सिमम जीवों में कह सकते हैं होता है। ये अपराध होता है जिसको नाड़ी कहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में नाभि होती है, नाभि से जो माँ के गर्भ में चल रहा है, तो माँ के माँ से जो है जो भोजन का स्थानांतरण, ब्लड का ऑक्सीजन का स्थानांतरण इस नाड़ी के द्वारा होता है, जिसको अपरा कहते हैं। उसी प्रकार से प्लांट में भी अपरा होता है, जिसको ये जो बीजांड देख रहे हैं, ये बीजांड जिसका एक फिगर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, इसका बीजांड का एक फिगर यहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो बीजांड देख रहे हैं आप, ये बीजांड जो होता है इसी के अंदर अंडकोशिका होती है, एकदम इसके अंदर होगी, ठीक है, इसके अंदर होती है। कौन कौन था? इसके अंदर अंडकोशिका होती है, जहां पर पराकर जो यहाँ पर घिरा हुआ है, ये पराकर पराग नली द्वारा इसके बीच से होते हुए, यानी किसके बीच से, वर्तिका के बीच से होते हुए इसके अंदर प्रवेश करता है, बीजांड के अंदर प्रवेश करता है, जाकर अंडकोशिका को क्या करता है, ये फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है। हमने क्या बताया, जो स्त्री केसर होता है उसके कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? वर्तिका। दूसरा भाग कौन सा है? वर्तिका। तीसरा भाग कौन सा है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड होता है। बीजांड किससे जुड़ा होता है? अपरा से जुड़ा होता है। और अपरा और बीजांड के बीच में एक डंठल जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं, ठीक है। अब किसी सीड को आपने देखा होगा, ठीक है, जरूर देखा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, आप चना जरूर देखें, चना देखे होंगे आप, चने में ऐसा नुकीला भाग भी देखे होंगे आप। तो ये जो ये वाला भाग दिखाई देता है आपको, यहीं पर आप हल्का से अभी कभी गेहूं देखिए या चना देखिए आप, जहां से वो अपने मतलब बीजांड से मतलब अपने फीने वाले फ्लावर से जुड़ा था, वो वाला भाग क्या होता है? उसे नाभिक कहते हैं, ठीक है, नाभिक कहते हैं, जहां से वो ऑक्सीजन वगैरह ले पाता है, ठीक है। तो वहीं से वो जुड़ा रहता है, ठीक है, वहीं से कहीं से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। कोई भी स्त्री जो होता है नाभिक से ही जुड़ा होता है, बीजांड वृत्त जो होता है नाभिक के से क्या होता है, वहां पर जाकर जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। युक्तांड पी युक्तांड पी डेफिनेशन भी आप राइट कर लीजिए, ठीक है, बुक में जो दिया है अपने हिसाब से या जो हम बताए उसको आप लिख लीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग की, हमारी अगली हेडिंग कौन सी है? हमारी गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। गुरु बीजाणु धानी जो होता है वो क्या है, देखिए, अब जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। इसे पहले याद होगा पिछली क्लास में हम लोग माइक्रो स्पोरेंजिया पढ़े थे, है ना, माइक्रो स्पोरेंजिया इससे पहले हम पढ़े थे, लेकिन ये इसे हम गुरु बीजाणु, गुरु मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो गुरु बीजाणु धान यानी मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। और अंडकोशिका हमेशा क्या होती है, साइज में बड़ी होती है, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ता है क्या, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। तो पूरे मतलब पूरे भाग को कहते हैं गुरु बीजाणु धानी, और गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल MMC, आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है, चिंता मत करिए आप। अब ये फिगर एक दिया है गुरु बीजाणु धानी की, बुक में है फिगर, और ये फिगर 2018 के एग्जाम में 3 नंबर का आया था ड्रॉ करने के लिए, इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, 19 में नहीं आया लेकिन 20 में आने के चांसेस बन जाते हैं इसके। तो ये फिगर आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि गिन चुन के कुल मिला के 7-8 फिगर होंगे पूरे क्लास 12th में, जिसमें से 1-2 फिगर जरूर आ जाता है। और आपको हम बता दें कि आपका जब एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले हम आपको एक गेस पेपर देंगे, और उस गेस पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, जो 2-3 फिगर जो भी बताए जाएंगे उसको मतलब कई बार आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा वो फिगर। चलिए हम यहां पर इसको डिस्कस करते हैं, गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी की पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे। ये गुरु बीजाणु धानी कहां पर है, यहां पर देखिए बीजांड है, और बीजांड जो होता है वो कहां पर स्थित होगा, यहां पर गुरु बीजाणु धानी में है, ठीक है। अब ये क्या होता है, किस प्रकार से है, इसके बारे में यहां पर कुछ फिगर दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो गुरु बीजाणु धानी है, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग है, कुछ में सीधा होता है, कुछ में उल्टा होता है, कुछ में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से, आप कोई बढ़िया किताब देखेंगे तो उसमें आपको 4-5 फिगर दिखाई देंगे।
तो यहां पर ये वाला जो भाग है ठीक है, यानी कि ये जो बीजान द्वार वृत्त बता रहे थे, बीजान वृत्त से पहले जो यहां ये वाला पतला वाला डंठल जैसा भाग दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनिकल कहते हैं। और उसके नीचे एक खांच जैसी संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? देखिए ये वाली खांच जैसी संरचना जो दिखाई दे रही है यहां पर, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम कहेंगे। ठीक है, अब उसके साथ अब ये जो गुरु बीजाणुधानी है ये एक आवरण या दो आवरण से क्या होता है, घिरा होता है, जिसमें दो आवरण होते हैं। पहले वाले आवरण को हम क्या नाम देते हैं, बाह्य आवरण, और दूसरे वाले आवरण को क्या करते हैं, अंतः आवरण। ठीक है, पहले वाले आवरण को क्या बोले हम, बाह्य आवरण, और दूसरे वाले आवरण को क्या बोले हम, अंतः आवरण कहते हैं। और अंतः आवरण के बाद अंदर क्या होता है, बीजांडकाय होता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बीजांडकाय होता है। ठीक है, बीजांडकाय होता है। ठीक, तो यहां पर हो गया। अब उसके बाद जहां से पोलन ट्यूब आकर इसमें एंट्री करेगा उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बीजांड द्वार सिरा कहते हैं। और उसके उल्टे वाले भाग यानी इस वाले भाग को हमेशा, यानी जो बैक साइड वाला भाग होगा, बीजांड द्वार के बैक साइड वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निभागीय सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निभागीय सिरा कहते हैं। तो बीजांड द्वार सिरा क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है हमेशा, कहीं भी होगा लेकिन उसके अपोजिट साइड, ठीक है, किसी भी जगह पर हो सकता है। अगर बीजांड ये वाला संरचना ऐसे है तो अगर जो बीजांड द्वार है यहां पर है तो निभागीय सिरा यहां पर होगा। अगर ये ऐसे है तो बीजांड द्वार अगर यहां पर होगा तो निभागीय सिरा हमेशा वो, तो याद रखिए बीजांड द्वार सिरा जहां होगा उसके अपोजिट साइड कौन होगा, निभागीय सिरा स्थित होता है। ठीक है, ठीक, समझ गए आप। अब इस बीजांड द्वार जो सिरा है, इस बीजांड द्वार सिरा के ऊपर बीजांड द्वार होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे जो पोलन ट्यूब होता है, ठीक है, वो इस रास्ते से होकर इस के अंदर प्रवेश करता है। किसके अंदर? बीजांड के अंदर। ये जो संरचना अंदर दिखाई दे रही है किस कौन क्या है, ये बीजांड है। ठीक है, और बीजांड के अंदर पाया जाता है क्या, भ्रूण कोश। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। फिर से अगेन इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान से देख लीजिए एक बार, इसको फिर से अगेन हम समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं जो ये वाला है। अब इसको हम समझाएंगे आपको, ध्यान से देखिए। सपोज करिए कि एक ये फिगर, सब यही फिगर हम वहां पर ड्रॉ करें, थोड़ा से बड़ा में आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये जो पूरा भाग है वो यहां स्थित है। ठीक, यहां पर स्थित है। अब देखिए पहले तो इसको समझा देते, गुरु बीजाणुधानी यानी कि गुरु बीजाणुधानी जो होती है वो स्त्री के सत्ता एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कहां पाया जाता है, अंडाशय में स्थित होता है। यहां पर बीजांड स्थित होता है और बीजांड के अंदर अंड कोशिका स्थित होती है, जिसके निषेचन के बाद वो जो बीजाणु होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो बीजाणुधानी है उसकी संरचना, ठीक है, इसकी संरचना है क्या क्या होता है, फनिकल। जो बीजांड यहां पर जो यहां देख रहे हैं बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत से कौन जुड़ा होता है, फनिकल जुड़ा होता है। फनिकल के जब फनिकल के नीचे की तरफ जो खांच जैसी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में आ चुका है, हाइलम कहां स्थित होता है, तो आपको याद रखना चाहिए गुरु बीजाणुधानी में स्थित होता है। ठीक है, और जो ये बीजांड जो गुरु बीजाणुधानी है, ये गुरु बीजाणुधानी कितने के कितने आवरण होते हैं, इसके दो आवरण होते हैं। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो अगर दो होगा तो उसके पहले आवरण को क्या बोलेंगे, बाह्य आवरण, और दूसरे वाले आवरण को क्या बोलेंगे, जो अंदर की तरफ है उसको अंतः आवरण कहेंगे। और इसके जहां से पोलन ट्यूब इंटर करेगा, पोलन ट्यूब होता क्या है, जैसे अगर देखिए जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, पराग कण, ठीक है, पराग कण से क्या निकलता है, पराग नली निकलती है। ठीक, ये पराग नली इसमें प्रवेश करती है, पराग नली इसमें क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो जिस स्थान से पराग नली प्रवेश करती है उसको हम बीजांड द्वार, क्यों छिद्र होता है इसलिए बीजांड द्वार कहते हैं, तो जिस स्थान से वो प्रवेश करता है उसको बीजांड द्वारी सिरा कहेंगे। और जस्ट उसी के अपोजिट, देखिए हम यहां पर उल्टे कर दिए हैं, तो इसका अपोजिट ये वाला भाग क्या होगा, निभागीय सिरा। यहां पर क्या था, यहां पर बीजांड द्वारी सिरा ऊपर है तो निभागीय सिरा क्या होगा,
नीचे होगा। तो हमेशा याद रखें हमने क्या बोला, बीजांड द्वार शिरा जिधर होगा उसके अपोजिट साइड क्या होगा, निभागी शिरा होता है। तो जो जिससे हाँ इस बीजांड द्वार शिरा से पराग नली जो होती है इसके अंदर प्रवेश करती है, और किसके अंदर, किसके अंदर प्रवेश करेगी, बीजांड के अंदर, ठीक है, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, यहां पर देखिए भ्रूण कोष पाया जाता है, और इस भ्रूण कोष के अंदर क्या होता है, इस भ्रूण कोष के अंदर अंड कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अगली क्लास जो मतलब अगली क्लास में हम जब पढ़ाएंगे आपको, तो ये भ्रूण कोष का जो संरचना है पूरी तरीके से बताया जाएगा, अंड कोशिका क्या होती है, ठीक है, बीजांड का पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा से बड़ा करके बताया जाएगा, जिसमें हमें अंड कोशिका और आगे जो पढ़ाया जाएगा तब जाकर समझ बढ़ेगी कि आज की क्लास में क्या चला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आसान थी, बहुत आसान थी, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और रिवाइज कर ले, ठीक है। हम आज की क्लास में क्या पढ़े, स्त्री के सर के कितने भाग थे, दो भाग थे, ठीक है, मतलब इसको दो भाग में अंडकों के आधार पर बांटा गया, एकांडपी, बहुअंडपी, बहुअंडपी कितने थे, दो थे, युक्तांडपी और युक्तांडपी। युक्तांडपी में क्या था, युक्तांडपी में हमने देखा कि जब बीज जो अंडक हो एक सम्मिलित हो, साथ साथ हो, तो उसको हम युक्तांडपी कहते हैं, और युक्तांडपी मतलब कि जो अंडक है थोड़े थोड़े से दूरी पर हो, ठीक है, बहुत सारे तो हो लेकिन थोड़े थोड़े दूरी पर, इसलिए उसको युक्तांडपी कहा हमने। इस तरीके से भाग के बारे में पढ़ा, कितने भाग थे, तीन भाग थे, ठीक है। पहले ऊपर का भाग क्या, वर्टिकल था, जहां पर पराग कण आता है, दूसरा भाग क्या था, वर्टिकल, और तीसरा भाग क्या था, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, ठीक है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं, ठीक है। तो जो गुरु बीजाणु धानी होता है उसके अंदर होगा बीजांड, ठीक है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर बीजांड होगा। तो गुरु बीजाणु धानी, और गुरु बीजाणु धानी का एक स्ट्रक्चर हमने देखा, जिसमें हमने उसके सारे पार्ट्स को डिस्कस किया, अगेन ये इंपॉर्टेंट फिगर भी है जो आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और यहां से कई बार क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम तथा अन्य एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहां पर हमने ये भी बताया कि पराकण से जो पराग नली निकलती है वो आकर कहां पर, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है और अंड कोशिका को निषेचित करती है। हम इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे कि अंड कोशिका का निषेचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये जो इसके बाद की जो अगली क्लास है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर कॉम्पिटिशन, एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास। थैंक यू सो मच लगातार बने रहने के लिए। और चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जिसको इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले, बोलिए, आप हमें सुनाई, अरे हमें सुनाई दे रहा है चलो ठीक है, नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, बट हाँ बोलिए, ठीक है, ताकि लगे कि नहीं हाँ पढ़ रहे हैं। तो अभी जो आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि पत्ती द्वारा, ठीक है, पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है, जिसको इसका आंसर आ जाएगा, मतलब पत्ती से नए प्लांट को बनाया जा सकता है, जो लीफ होती है उसे एक नए प्लांट को बनाया जा सकता है, ठीक है, या उगता है, उग सकता है, ठीक है, या उगता भी है, तो आप उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, हमने क्या बोला कि पत्ती द्वारा एक नए पौधे को उगाया जा सके वह कौन है, ठीक है, उसका आप इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिसको भी आएगा, पढ़ा दिए हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो जरूर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।